इस दिन की खूबसूरती हमारे आए हुए मेहमानों से है। सो ग्लोबल एजुकेटर्स फ्रेटर्निटी की संस्थापक डॉक्टर रचना भीमराज का, एज यू नो, ऊर्जा और नवाचार का एक पावर हाउस है। आई कैन से एक एंटरप्रेन्योर के रूप में 2 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ उन्होंने अपना जीवन शिक्षक और शिक्षा को बदलने के लिए समर्पित किया है। दूसरों को सशक्त बनाने के जुनून से प्रेरित वह एक उद्यमी, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रेरक वक्ता और सह लेखिका के रूप में कई भूमिकाएं निभाती हैं। We have organized this conference not only to discuss the various aspects of the upcoming updates in education field, but also to share valuable insights with all the stalwarts under one roof to make it grand, along with spending some time to adore the beauty of the city. मौका है कि आज हमें ये मालूम होगा कि ये कश्मीर के जो स्कूल हैं और बाहर के स्कूलों में क्या अंतर है, यहाँ क्या कवानीन है, वहाँ क्या कवानीन है। एजुकेशन तो एजुकेशन है। यूटी बनने के बाद हम चाहेंगे कि एक 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 यूनिवर्सल सिस्टम यहाँ हो, जो बाहर के स्टेट्स में वो यहाँ भी हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एजुकेशन को ब्यूरोक्रेटिक एंगल से न देखा जाए, क्लर्कल एंगल से न देखा जाए, क्योंकि लाखों बच्चों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। मैं बार बार कहता हूँ कि एक जो है गरीब बच्चा अगर सरकारी स्कूलों में जाता है तो पूरा सिस्टम सपोर्ट करता है। फूल की मालाएं पहनाई जाती हैं, स्टेटमेंट इशू किए जाते हैं और अवार्ड्स दिए जाते हैं, टीवी मीडिया सब कुछ सपोर्ट करता है। लेकिन यही गरीब बच्चा अगर प्राइवेट स्कूलों में जाता है तो सारा सिस्टम होस्टाइल हो जाता है। सरकारी तौर पर प्राइवेट स्कूल्स का जो रोल है उसको बहुत सराहा जाता है। जो हमारे रियासत में जो तालीम का इस वक्त मयार है, इसमें प्राइवेट स्कूल के रोल को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और हमेशा इस बात पे चर्चा होती है कि प्राइवेट स्कूल एक अहम रोल अदा कर रहे हैं और इनको अपना रोल अदा करना चाहिए, अपने रोल में बेहतरी लानी चाहिए, क्योंकि हम इस सोसाइटी का पार्ट हैं। अभी पर्यावरण की बात चल रही थी तो स्कूल हर मामले को लेकर संजीदा है और नीसा ने एक राष्ट्रीय मूवमेंट चला रखा है कि इस ग्रीन मूवमेंट को हमने कामयाब करना और कैसे ग्रीन स्कूल्स के थ्रू पूरे समाज में एनवायरनमेंट में चेंज लाना है। ये हमने एक अपना इनिशिएटिव शुरू किया है, तो इसी से हम सभी को नमस्कार करते हैं। तो मैं कश्मीर, जिसको भारत और विश्व में अगर स्वर्ग कहा जाता है, कहते हैं कि स्वर्ग है तो यहाँ है, उस स्वर्ग की धरती पर सभी एजुकेटर्स को बहुत ही नमन करते हुए सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। नासिर साहब का, गिलानी साहब का, वानी साहब का, हमारे अध्यक्ष जी अनवार साहब का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा। रचना भीमराजका जी का, जिन्होंने कश्मीर में आकर ये ऑर्गेनाइज किया, एजुकेटर्स के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की और उनको सम्मानित करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, क्योंकि भारत वो देश है जो शिक्षक को सर्वोपरि मानता है। सो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन एनईपी 2020। सो आई विल आस्क अ क्वेश्चन टू मिस्टर फजल गिलाई। व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच वी आर फेसिंग इन एनईपी 2020 और स्कूल्स? सो काइंडली टेल अस समथिंग अबाउट द चैलेंजेस वी फेस। सो मैं फजल गिलाई, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन में काम करता हूं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहली चीज़ जो है वो पैसा दरकार होता है। आपकी पॉलिसी जूं की तूं किसी भी जगह लागू नहीं हो सकती जब तक ना उसके पीछे जो पॉलिसी के लिए खर्चा होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए, चाहे असातिज़ा को ट्रेन करना हो, मिड लेवल प्रैक्टिशनर्स को ट्रेन करना हो, या डाउन द लाइन जो बाकी रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय करने हो। जावेद साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि what is the resistance coming and from where the resistance is coming? I have been a teacher for plus 20 years and I haven't seen just a 10% of change in our classroom settings. Our classrooms are the way they have been throughout. The only thing that has changed probably, that is the blackboard has changed into the white, and the marker and the this marker has replaced our previous chalk.
Mr. Aslam, can we know about the potential? What is the potential behind this NEP 2020? And what is the collaboration with the parents? See, yes, definitely, if we talk about the Kothari Commission or so many policies, all these policies say that we are shaping the students inside the classrooms. Myself, Aslam Parvez, I am working as a principal at Alexander School, and before coming to this school, I was in Kerala, and before that I was in the Kendriya Vidyalaya Samiti. I retired from the Egypt principal. So many workshops and years, but I come to the now NEP. In very short, I will tell you the four words for the NEP: equality, quality, affordability, and accountability. These are four main base of the NEP. So, Mr. Mohsin, I would like to know what is the relation between this NEP 2020 and AI, artificial intelligence, how they are going to enhance. My name is Sheikh Mohsin Iqbal, and I'm the chairman of DPS Baramulla. And unlike the other jury members, I'm not an educationist, so let me be very clear on that. I come from a different school of thought. The gist of NEP and artificial intelligence, I mean, these are two different areas if we talk about. But I'll just give an insight of NEP because we just read it after it came into existence. The education policy of India was done in the era of Mrs. Indira Gandhi. That was the first time the education policy came into existence. You should also agree about this, that yes, there are certain hurdles like lack of infrastructure. I am not going into details. There is lack of infrastructure and resistance from parents, community, teachers, old patterns. You will see that. And education gap, you will see gap in quality education, you will find the gap. This is also the hurdles which we'll be facing. And slow progress of previous reforms, jo abhi Farooq saab ne bhi kaha, so this will also, we have to also face all these things. This is how we appreciate. Kaam chal raha hai yahan pe, bachcho ko please put your hands together, shake your hand. I hope that if you follow his instructions, please put your hands together. आज का प्रोग्राम जो है एजुकेटर्स की कॉन्फ्रेंस थी, और इसमें लगभग पूरे भारत से जो है एजुकेटर्स इसमें हिस्सा ले रहे थे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, जम्मू और लगभग सभी देश से एजुकेटर्स इसमें इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पर डिस्कशंस हुई कि कश्मीर में कैसे एजुकेशन पे काम हो रहा है, पूरे भारत पे कैसे हो रहा है। तो एक आउटकम ये निकल के आया कि कुछ ऐसे नियम यहाँ पर देखने को मिले, जैसे कहा जाता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और यूनिटी डाइवर्सिटी की बात भी की जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ कानून और कुछ इस तरह के नियम बने हुए हैं जो पूरे भारत से अलग नज़र आए। जैसे एक केमिकल एनओसी की बात आई कि यहाँ केमिकल एनओसी लेनी बहुत ज़रूरी है, और जिसपे बहुत ही दिक्कत प्राइवेट स्कूल्स को पेश आ रही है, जो पूरे भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश में अगर भौगोलिक रूप से भी देख लें कि वैसे तो इसका भौगोलिक रूप से कोई संबंध नहीं है कि कश्मीर हिल स्टेशन है तो यहाँ केमिकल को ज़्यादा नुकसान करेंगे और रेगिस्तान में नहीं करेंगे या जो है नॉर्थ इंडिया में नहीं करेंगे, तो सभी में केमिकल्स का एक ही जो है इफेक्ट होता है, तो ऐसी कोई एनओसी पूरे भारतवर्ष में नहीं है। और दूसरा, जो बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट में कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिली और सुनने को मिली, बाकी जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो वहां पर अगर बिल्डिंग सेफ्टी का सर्टिफिकेट लेना हो तो एक सिविल इंजीनियर ही उसको प्रोवाइड कर सकता है। यहां पर गवर्नमेंट का इतना बड़ा सिस्टम है जिससे प्राइवेट स्कूल्स को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उधर फी रेगुलेटरी बिल्स भी जो है हिंदुस्तान में है, पंजाब में आप 8% फीस बढ़ा सकते हैं, हरियाणा और यूपी में आप कहेंगे तो 5+ CPI जो है
एवरी ईयर आप फीस बढ़ा सकते हैं। और जे एंड के में ये देखने को मिला कि आप फीस बढ़ा ही नहीं सकते, जब फीस नहीं बढ़ेगी तो एजुकेशन कैसे बढ़ेगी, और एजुकेशन नहीं बढ़ेगा तो प्रदेश कैसे बढ़ेगा, और फीस नहीं बढ़ेगी तो स्कूल अपने आप को डेवलप कैसे करेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज को कैसे लाएगा, रोबोटिक्स को कैसे लाएगा, कोडिंग को कैसे लाएगा, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज और मेथड्स आ रहे हैं, वैदिक मैथ्स की बात की जा रही है, तो कैसे अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आउटकम निकला कि कश्मीर में ही वही नियम होने चाहिए जो भारत के दूसरे प्रदेशों में। जब हम कहते हैं कि भारत एक है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो फिर नियम भी तो एक जैसे होने चाहिए। यूनी ग्लोबल इंटेलेक्चुअल्स फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोग्राम आज जो हुआ, इसका बुनियादी मकसद एक तो एजु लीडर्स को एनकरेज करना है, उनको अवार्ड्स देने हैं, और दूसरा एजुकेशन पे बात करनी है कि एनईपी के क्या चैलेंजेस हैं और कैसे एनईपी को ऑन ग्राउंड लागू किया जा सकता है, उसमें किस स्टेक होल्डर का क्या रोल है। तो हम रचना जी के बहुत ही मशहूर हैं कि बॉम्बे से ये आई और उन्होंने कश्मीर को चुना, यहाँ इतने दिनों से लगातार रही और इस तरह से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें आज रिप्यूटेड एजु लीडर्स आए हैं, जम्मू डिवीजन से, पीर पंचाल से, चिनाब वैली से, कश्मीर से, तीनों डिवीजनों के रेप्यूटेड एजुकेशन लीडर्स, रेप्यूटेड स्कूल्स यहाँ पार्टिसिपेट कर चुके हैं जिसमें आज एजुकेशन पे बात हो रही, और एजुकेशन के साथ साथ एजु लीडर्स को अवार्ड दिया जा रहा है। असल में हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी वही पॉलिसीज लागू हों जो पॉलिसीज मुल्क के दूसरे रियासतों में हैं। वो तभी मुमकिन है जब यहाँ के अफसरान को भी पता चले कि बाहर क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस हैं एजुकेशन में। देखिए, मैं कश्मीर के कुछ एडु लीडर्स से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, और जब इंटरेक्शन होता था तो कहीं ना कहीं ये एजुकेशन सिस्टम कश्मीर में और पूरे भारत में कहीं ना कहीं एक गैप है। और कुछ महीनों पहले मैं यहाँ जब जुड़ी सो वहाँ से एक थॉट आया कि क्यों नहीं, जब हम पूरी दुनिया एक साथ जुड़ चुके हैं, कश्मीर भारत के में होके ही कहीं ना कहीं पीछे है, जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो एक एक छोटी सी कोशिश रही कि हम पूरे भारत से देश को एडु लीडर्स को जोड़ पाए, सो दैट यू नो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम, देयर इज न्यू इंसाइटफुल लर्निंग, स्किल्स डेवलपमेंट हो। एंड उसके लिए हमने चुना, अभी तक हम मुंबई दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में करते थे, लेकिन इस बार हमने कश्मीर चुना, विच इज़ हेवन एंड अर्थ, यू ऑल नो। सो लोगों को कश्मीर का टूर भी हो जाए, प्लस एक दूसरे के एक्सचेंज प्रोग्राम में एक दूसरे से डेली लर्निंग हो,